वेलकम बैक सभी को, मेरा नाम है ज्योति और आज मैं बताने जा रही हूँ आपको पनीर की एक और रेसिपी, कढ़ाई पनीर, जो कि सबने खाई भी होगी। तो इसके लिए हमने लिया है एक मीडियम साइज का प्याज, उसे काट लिया इस शेप में। इसी के साथ मैंने ली है एक ग्रीन चिली और साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट, यहाँ पे एक शिमला मिर्च है, आधे से ज़्यादा टमाटर है, ये है गर्म मसाला और ये है पनीर। प्यूरी टमाटो की, अब हम यहाँ पर ले लेंगे कढ़ाई जिसमें मैं डाल दूँगी सरसों का तेल। आप यहाँ पर घी भी ले सकते हो, यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा और डाल दिया है सरसों। आप कर सकते हो या गर्म मसाला भी डाल सकते हो, इसे अच्छे से भून लेंगे हम। इसे भूनते हुए याद रखना है कि मेरे प्याज में से नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे जो है प्याज बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा, इतना ही हमने इसे भूना है। यहाँ पे मैंने डाल दिया जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा दरदरा सा, इसको भी अच्छे से पका लेंगे। और एक बारी है टमाटो की रेसिपी, यहाँ पे आप टमाटो चॉप करके भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने लिए हैं दो छोटे छोटे टमाटर। अब इस प्यूरी को भी हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच धनिया का पाउडर, बारी आती है जो मसालों की। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा नमक, देगी मिर्च, इसी के साथ कश्मीरी मिर्च रंगत के लिए और थोड़ी हल्दी, और साथ में जो गरम मसाला हमने बनाया है उसे भी डाल देंगे। यहाँ पे हम डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी ताकि जो हमारा मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मसाले हैं, ये जो ग्रेवी बन रही है वो काफी अच्छे से पक गई है। इसी के साथ ये जब तक बनता है तब तक हम एक पैन लेंगे जिसमें मैं घी डाल रही हूँ। आप बटर या फिर रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने पनीर लिया है उसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा पनीर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इसको जलाना भी नहीं है, ज्यादा हमने भूनना भी नहीं है, इसको अच्छे से हम करते रहेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अपने प्याज ताकि उसे भी थोड़ा सा टॉस कर लिया जाए और इससे काफी अच्छा जो है टेस्ट आता है। अब हम इसमें डाल देंगे जी शिमला मिर्च, आप यहाँ पे कोई और भी बेल पेपर्स ले सकते हैं, येलो रेड साथ में, जितनी वेजीज आप डालें उतना अच्छा। हमें इसे चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे और ज्यादा ना पक जाए। इसी के साथ अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर, क्योंकि हमने इसी साइज में कट किए हैं। तो बस थोड़ी देर चलाएंगे, उसके बाद जो है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा और इसे थोड़ा सा हम टॉस भी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे आग लगाने की कोशिश की पर आग लगी नहीं, तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको रख देते हैं साइड में। इसी के साथ जो है हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें मैं डाल रही हूँ दो चम्मच दही के,
ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर भी है खट्टा हो जाएगा। और इसे भी अच्छे से मिलाते रहेंगे ताकि दही जो है वो फट ना जाए। और ये भी काफ़ी अच्छे से हो गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हमने जो इसमें पनीर शिमला मिर्च वगैरह की है उसको हम इसमें डाल देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। डालने के बाद हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो रंगत है वो कितनी अच्छी आई है। अब आप बोलेंगे कि मैं खुद अपनी तारीफ कर रही हूँ, बट आप खुद भी देख सकते हैं इसे बना के। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा पानी, जितना आपको लगे उतना आप डालें, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अब इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब चेक करते हैं, तो बीच बीच में आपने चेक करते रहना है। ये भी नहीं हुआ है, थोड़ा करछी से हम इसे हिला लेंगे। यहाँ पे कि हमारा ये बिल्कुल रेडी हो चुका है कढ़ाई पनीर, और आप देख के बता सकते हैं कि कितना टेस्टी बना होगा। आप ही से घर पे बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा बना है। तो इसी तरह की पनीर की और बाकी की रेसिपी लेने के लिए मेरे साथ बने रहे, मुझे फॉलो करें और मेरी वीडियोस जो हैं अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसे गार्निश कर दें कोरिएंडर हरे धनिए के साथ, और आप यहाँ पर जो है कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी स्किप कर दी अलग टेस्ट के लिए। तो जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनका बिल्कुल थैंक यू, और बाय बाय।